जय माता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही दिव्य, चमत्कारी और दुर्लभ जड़ी के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो में आप जो जड़ी देख रहे हैं, इसे राजमोहिनी जड़ी कहा जाता है। ये दुर्लभ जड़ी एक प्रकार की जंगली वनस्पति की जड़ से प्राप्त की जाती है। ये भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार, जब समुद्र मंथन के समय अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, तब उस मोहिनी रूप की सारी शक्तियाँ इसी जड़ी में समाहित हो गई थी। इसीलिए इसकी जड़ में मोहिनी शक्ति होती है। इस रहस्यमय जड़ी से किसी भी तरह का वशीकरण संभव है। इसे हासिल करने का अर्थ भगवान विष्णु की कृपा का प्राप्त होना होता है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इसे नाचने वाला पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पानी के संपर्क में आते ही हिलने डुलने लगता है। इसे घर में रखने मात्र से ही ये पैसों को अपनी तरफ खींचने लगता है। इसकी पत्तियां अन्य पौधों के पत्ते की तरह आसानी से टूटती नहीं हैं। इसके पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति उससे आकर्षित हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि इसे कोई चक्कर जिस व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देख ले, और वह भी व्यक्ति उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे दे, तो उस व्यक्ति की समस्त भावनाएं और सोच का वशीकरण हो जाता है। इसका असली प्रभाव पानी में डालने पर ही दिखता है। इसे पानी में डालते ही यह तेजी से घूमने लगे, तो समझें वह व्यक्ति आपके वश में आ चुका है। उससे अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, यानी आप जो चाहेंगे उसका वह पालन करेगा। इस प्रभाव का सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहिए। दो जड़ी को पानी में डालने पर ये आपस में लिपट जाती है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल अलग अलग कार्यों जैसे कारोबार में उन्नति, शादी में हो रही देरी या मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति में किया जाता है। इसका उपयोग सामाजिक मान मर्यादा बढ़ाने में भी होता है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर बनते हैं और उनका जीवन सुखमय बीतता है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों एक दूसरे के सम्मोहन के लिए शुभ मुहूर्त में धारण कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए विवाह का योग बनाने में राजमोहिनी जड़ी का अचूक असर होता है। दोस्तों, इसका औषधीय उपयोग मनोरोग में किया जाता है, जबकि इसके धारण करने से नौकरी के लिए इंटरव्यू में सफलता मिलती है। इसे पीसकर सम्मोहनकारी तिलक बनाया जाता है, जिसके उपयोग से वशीकरण किया जा सकता है। इसका उपयोग गलत धारणा से नहीं करना चाहिए, जैसे किसी का वशीकरण उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करना या फिर दुश्मनी बढ़ाना। इसका प्रभाव आपके लिए उल्टा हो सकता है। इस जड़ी को धारण करने के कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे इसे पहनने की बात को गुप्त रखें, भगवान विष्णु की आराधना करें, गलत और छल कपट जैसे कार्य नहीं करने चाहिए, अनैतिक तरीके से पराई स्त्री से संबंध स्थापित ना करें। वैसे तो इसे घर में उगाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसे घर में आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसे तिजोरी में रखने से बहुत तेजी से धन का आगमन होता है और धन संपत्ति निरंतर बढ़ती रहती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।